वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूरी सूत्र के प्रयोग करके बिंदु को कैसे पता करना है कि संरेखीय है या नहीं। ठीक, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। सवाल है, दूरी सूत्र के प्रयोग कर दर्शाए कि बिंदुए -1.3, 2.1 और 5.-1 संरेखीय है। ठीक दोस्तों, पहले इसमें देखिए दर्शा लेंगे बिंदुओं को। ए बिंदु मान लेते हैं इसको -1.3। ठीक, उसके बाद दोस्तों बी बिंदु मान लेते हैं इसको 2.1। उसके बाद दोस्तों सी बिंदु मान लेते हैं इसको 5.-1 मान लिए दोस्तों। ठीक ना, दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाना है। लिख देंगे दोस्तों दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र से। ठीक, दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस पे होता है अंडर रूट। ठीक दीदी दोस्तों, अब इसको पता कैसे करना है? देखिए, पहले निकालना है ए बी की बीच की दूरी, फिर निकालेंगे बी सी की बीच की दूरी, फिर निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी। ठीक, पहले निकालते हैं दोस्तों ए बी बीच की दूरी। ए बी, ए बी इसमें हो जाएगा एक्स वन ई हो जाएगा, एक्स टू ई हो जाएगा, वाई वन ई हो जाएगा, वाई टू ई हो जाएगा। ठीक, तो x1 - x2 यानी कि -1 - -2। ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 हो जाएगा 3 - y2 क्या हो जाएगा 1। ठीक, इसका होल स्क्वायर, इस पर क्या होगा दोस्तों? रूट होगा, रूट आपको देते जाना है। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 2 - 1 - 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 3 - 1 - 2 - 2 का स्क्वायर, इस पर क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ठीक ना, अभी क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 - 4 - 13, रूट में 13 निकाल गया। ठीक, फिर निकालेंगे दोस्तों क्या? बी सी, बी सी की बीच की दूरी। ठीक, क्या है? x1 - x2, एक्स वन बी सी में देखिए एक्स वन यह हो जाएगा, एक्स टू यह हो जाएगा, वाई वन यह हो जाएगा, वाई टू ई हो जाएगा। तो x1 - x2, एक्स वन क्या हो जाएगा 2 - x2 क्या हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 हो जाएगा 1 - y2 क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इस पर क्या देंगे दोस्तों? रूट दे देंगे। ठीक, अब देखिए 2 - 5 - -3, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 1 - 2, इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। अब 9 - 4 कितना हो जाएगा? 13 अंडर रूट। अब फिर निकालेंगे दोस्तों ए सी, ए सी के बीच की दूरी लिखेंगे ए सी, फिर वही दोस्तों x1 - x2 यानी कि ए सी, ए सी में x1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -1, तो x1 - x2 यानी कि -1 - -5, -1 - -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 हो जाएगा 3, ई हो जाएगा y2, तो 3 - y2 तो यहाँ पहले से -1 है, तो -1 - +1 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 - 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। ठीक, अब जोड़िए इसको दोस्तों, 36 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52, इसका अंडर रूट।
52 का जब तोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 दूना 52, 2 को 2 मिलके एगो बाहर निकल जाएगा, रूट में 13 बच गया। ठीक, अब दोस्तों पता कैसे करेंगे कि यह बिंदु संरेख है कि नहीं। ई जो निकला दोस्तों ए बी, ई दोनों जो रूट 13 रूट 13, ई दोनों का जोड़ अगर ये तीसरा निकल गया तो समझ लीजिए बिंदु संरेख है। ठीक, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ नीचे में ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी निकल गया तो समझ लेंगे बिंदु संरेख है। ठीक, अब देखिए ए बी यहाँ कितना है दोस्तों, ए बी है रूट 13, रूट 13 प्लस बी सी, बी सी कितना है रूट 13 बराबर ए सी, ए सी कितना निकला है दोस्तों 2√13। ठीक, देखिए रूट 13 रूट 13 क्या हो जाएगा 2√13, क्योंकि यहाँ ने कुछ तो एक है, एक है दो हो गया बराबर 2√13, देखिए बराबर हो गया दोस्तों। लिखेंगे अतः अतः बिंदु संरेखी है, संरेखी है। ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है, भले ही इसमें दोस्तों अंक चेंज कर दे, ठीक, लेकिन नियम यही रहेगा दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बना के, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए।